अब हमारे बीच में एक बहुत बड़ी डायनेमिक डायरेक्टर हैं जो सिरसा से हैं, डॉक्टर शमीम शर्मा, और उनके तहत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को वो शिक्षा देती हैं। और अभी जब नई मुलाकात हुई मैडम से, मैडम से बहुत पुरानी भी मुलाकात है लेकिन अभी बहुत सालों के बाद मिले, तो बस यही बात की कि हम ध्यान कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे ध्यान आगे ला सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि गीतिका आप प्लीज होस्ट करिए। पत्री जी, डॉक्टर संगीता नेहरा, आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा मेरा सबको तहे दिल से नमस्कार। मैं गीतिका खत्री गुड़गांव से एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, और ध्यान में डॉक्टर संगीता जी के माध्यम से मैं आई थी, और हम दोनों ने अपनी यात्रा लगभग एक साथ ही शुरू की थी। इसके साथ तो मैं बताना चाहूँगी डॉक्टर शमीम शर्मा जी के बारे में। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ये मेरी लेक्चरर हुआ करती थी। बहुत बहुत नमस्कार शमीम जी। और इसके साथ साथ आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JCD विद्यापीठ की। योगा, प्राणायाम और ब्लड डोनेशन आदि कामों से आप बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ इन्होंने 18-18 के करीब इन्होंने किताबें लिखी हैं, और बहुत से पुरस्कार इनको साहित्य से रिलेटेड इनको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ ये एडिटर है हरियाणा ई एनसाइक्लोपीडिया की। नमस्कार शमीम जी, बहुत बहुत। अब नमस्कार हम नमस्कार। आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे ध्यान से रिलेटेड। थैंक यू। मैं पहली बार दुविधा में हूं कि मैं कहां से बात शुरू करूं। ध्यान के इस महायज्ञ में शिरकत करके मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और सच कहूं तो आज से 2 महीने पहले तक मेरी हालत ऐसी थी जैसे कि बच्चा कोई कहीं जा रहा हो तालाब की तरफ, कुएं की तरफ, और उसे पता ही ना हो कि कितना खतरा वहां पर है, और उसका दोस्त पकड़ के कहे, हाथ की पागल, तू कहाँ जा रहा है, इधर आ, इधर अच्छा रास्ता है, इधर बाग है, बगीचे हैं, फूल है, फल है। तो संगीता नेहरा ने मेरा ऐसे ही हाथ पकड़ा और कहा कि कहाँ जा रहे हो, मुड़ो इधर ध्यान की तरफ। उन्होंने मेरे चक्षुओं को बाहर से समेट कर मुझे भीतर झांकने के लिए बाध्य किया, बल्कि प्रेरित किया कहना चाहिए, प्रेरित किया, और मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करना चाहती हूं कि महावीर स्वामी का एक सूत्र है कि जो सुई धागे में पिरोई गई है उसे गिरने के बाद फिर खोने का डर नहीं है। यानी कि अगर हमारी आत्मा का ध्यान से तंतु जुड़ा हुआ है, अगर हमारा सूत्र ध्यान से जुड़ा हुआ है, तो इस भौतिक जगत में भी हम भटकेंगे नहीं। तो अपनी बात की पुष्टि मैं यूं कहना चाहती हूं कि ये बात आती परिपक्वता से है। केवल कोई मुझे कह दे, कोई गुरुजन संत महाजन कह दे कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, तो ध्यान का कोई सेट फार्मूला नहीं है। जैसे स्विमिंग करने के लिए हमें हाथ को ऐसे करना है, साइकिल चलाने के लिए हमें पैडलिंग को, साइकिल के पैडल को ऐसे चलाना है, हर क्रिया का एक सेट फार्मूला है। लेकिन ध्यान जो है तभी होगा जब आपको उसमें रस आना शुरू हो जाएगा। एक सूत्र आता है रस है वा, कि वो जो परमात्मा है वो रस में ही है। तो जिस भी क्रिया में हमें रस आएगा, हमें ध्यान होना वहीं पे प्रारंभ हो जाएगा। मैंने देखा है कि जब मैंने इंसाइक्लोपीडिया का काम करना शुरू किया और मैं 18-18 घंटे काम करती थी, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कौन घर में आया, कब गया, क्या गया। तो वो ध्यान की मेरे लिए एक प्रकाष्ठा थी। जब मैं सड़क किनारे देखती हूँ कि किसी छोटे से एक आसन को बिछाए हुए कोई मोची जूते को गांठ रहा है, तो सुई में, गांठ में और जूते में उसका इतना ध्यान है कि मुझे लगता है कि वो भी परम तत्व को प्राप्त हो गया है। तो ध्यान तो बेसिकली स्वभाव की बात है, और जितने ध्यान की जरूरत जिंदगी जीने के लिए है, शायद उतनी हमें अध्यात्म शास्त्र में भी उतने ध्यान की जरूरत नहीं है। खाते हुए ध्यान, नहाते हुए ध्यान, संबंधों का ध्यान, बोलते हुए ध्यान, कर्म करते हुए ध्यान, तो ध्यान तो एक स्वभाव की बात है मुझे लगता है। और मैंने तो कभी मेडिटेशन किया ही नहीं था। हाँ, मैं वैसे सहज भाव से अपने तनाव को दूर करने के लिए कई बार जो है बैठ जाया करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ध्यान इसे ही कहते हैं। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात की पुष्टि करना चाहती हूँ कि एक कोई नौजवान पहाड़ पे खड़ा हुआ था,
पहाड़ की काफी ऊंची जगह पे खड़ा हुआ था, तो तीन लड़के उसको देख रहे थे, तो वो अंदाजा लगा रहे थे कि लगता है इसकी गायब हो गई है जिसको वो ऊपर से ढूंढ रहा है। दूसरा बोला नहीं गाय नहीं, लगता है कोई इसका साथी पीछे रह गया जिसे ये पर्वत की चोटी पे खड़े होकर देख रहा है कि कहाँ रह गया। तीसरा बोला कि शायद ये भगवान को खोज रहा है तो इतनी ऊंची जाकर के खड़ा हो गया है। तो उनकी आपस में बहस हुई, वो बोले चलो उसी से पूछ लेते हैं कि वो क्यों वहां पे खड़ा हुआ है। तो तीनों लड़के उसके पास पहुंचे तो जाके पूछा क्या तुम्हारी गाय खो गई जिसे ढूंढ रहे हो? बोला नहीं। तो क्या तुम्हारा कोई दोस्त पीछे छूट गया जिसे तुम ढूंढ रहे हो? बोला नहीं। तो तीसरे ने पूछा क्या तुम परमात्मा को खोज रहे हो? बोला नहीं। तो बोला फिर क्या कर रहे हो? बोला मैं तो ध्यान मग्न हूं, मैं तो अपने भीतर की यात्रा कर रहा हूं। तो उनको जची नहीं तीनों को, तो बोले कि ऐसे आंख बंद करके बैठने से क्या मिलता है? तो बोला तुम बैठ के देखो तब पता चलेगा। तो यानी कि जो ध्यान है और जो ध्यान का रस है, जो आनंद है, जो परिपक्वता है, जो प्रसाद हाथ में आता है, ये वही जान सकता है जो इसको करता है। कोई मुझे कहे कि ध्यान करने के बाद आपको क्या मिला, कैसा लग रहा है, वो मीठा है, फीका है, तिक्त है, खट्टा है, उसका स्वाद कैसा है, तो ये बताना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन हाँ ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि ध्यान के उच्चतम शिखर तक हम तभी पहुंचेंगे जब पात्री जी की तरह, बाबा रामदेव जी की तरह, जब ज्ञानानंद जी की तरह हम बहुत ही बरसों की साधना को साध लेंगे। जैसे नारियल है, अगर नारियल को हम तोड़ के गरी खाना चाहें, उसकी गिरी जिसको बोलते हैं, वो गरी खाना चाहें, तो हम देखेंगे कि वो गरी उसकी खोल के साथ चिपकी रहती है, फिर हम कुरच कुरच के उसको उतारते हैं। लेकिन जब नारियल पक जाता है तो अगर उसको तोड़ते हैं तो उसका खोल अलग और नारियल बाहर आ जाता है, तो इसकी परिपक्वता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारे ख्यालों में, विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारे मंथन में, हमारी अनुभूतियों में एक गंभीरता नहीं आएगी, एक गहन अनुभव नहीं जुड़ेगा, तब तक हम कच्चे नारियल की तरह से रहेंगे। जैसे फल खाते हैं, कोई भी फल या सब्जी खाते हैं, खीरा खाते हैं, अगर उसके बीज कच्चे हैं तो हमें बड़ा आनंद देते हैं, लेकिन वो बीज अभी उगाने लायक नहीं है। बीज तभी बनेगा जब पक पक कर वो उसका खोल, उसका बाहरी कवच सख्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिंदगी जीना, जैसे गुरुजी ने भी कहा, पत्री जी ने भी, कि कौन कहता है कि आप महात्मा बुद्ध की तरह घर छोड़ के जाओ, घर में रह करके ही वानप्रस्थी बनो ना। तो वानप्रस्थी का क्या अर्थ है? रहो घर में लेकिन ध्यान वन में, ये वानप्रस्थी है। सारे दिन हम घर के क्रियाकलापों में, कलह में, तानों उलहनों में, लेन देन में, इन्हीं क्रियाओं में जब लगे रहते हैं तो मुझे लगता है कि वानप्रस्थी नहीं है। जो घर में घटित हो रहा है होने दो, जो मेरे भीतर घटित हो रहा है मुझे उसकी चिंता करनी है, उसकी परवाह करनी है, तो मैं वानप्रस्थी हूँ। उसके लिए मुझे घर छोड़ करके जंगल में जाकर के मंगल ढूंढने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जहां मैं हूं, क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, भगवान का कोई घर है सुनिश्चित, ये भी मैं नहीं कहती कि वो गिरजाघर में है, वो मंदिर में है, वो मस्जिद में है, वो गुरुद्वारे में है, नहीं। भगवान तो एक विराट है, चारों तरफ उसका प्रसार है, फैलाव है, वो फूलों में कहीं महक बनके है, कहीं हमारी आंखों में ज्योति बनके है, मेरी सांसों में वो धड़कन बनके है, कहीं वो संगीत बनके है, कहीं वो प्राण वायु बनके है, कहीं पक्षियों की चहचहाट में है। तो भगवान तो उस फैलाव का नाम है, उस समुचित चेतना का नाम है जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए है। तो उस भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की, दौड़ने की, कि ये यात्राएं करेंगे, ये अनुष्ठान करेंगे तो ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं, मेरी अवधारणा ऐसी नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि हम जहां हैं वहीं बैठ जाएं और अपनी आंखें मूंद कर एक बार अपने भीतर झांकें, देखें और आत्म मंथन करें, तो हम एक परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, जो परम आनंद है, जो दिव्य आनंद है। और मुझे लगता है कि मेरी इस भीतर की यात्रा के लिए मुझे प्रेरित किया है डॉक्टर संगीता ने, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। जैसे एक बिगड़ते बच्चे को कोई पकड़ करके रास्ते पर ले आए, तो संसारिकता की तरफ जो मेरा इतना ध्यान था, वो भी तो ध्यान ही था, उस ध्यान को केंद्रित करके दोबारा से सिमटवा करके मुझे भीतर की अंत यात्रा करने की जो प्रेरणा संगीता ने दी है,
तो संगीता मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है तुम परिवार किससे हो, तुम्हारा धर्म जाति क्या है, तुम्हारी उपलब्धियां क्या है। मुझे तो ये पता है कि मेरे लिए तुम्हारे से बड़ा कोई गुरु आज के दिन नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले तुम्हें प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। और इस सभा में एक एक जन विराट संत हैं, बड़े सदे हुए लोग आए हैं, और आज उनके सानिध्य में बैठने का जो एक सुअवसर मिला है, मैं उसके लिए अपने आप को अवभाग्य कहती हूँ। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज मुझे ये एक सुअवसर मिला है। मैं आपको बहुत बहुत नमन करके अपनी बात की इतिश्री करती हूँ। थैंक यू शमी मैम। आपने जो है ना, एक मुझे पत्री सर एक चीज मुझे याद आ रही है शमी मैम की। आज से बहुत साल पहले 2006 की बात है, हम एक प्लेटफॉर्म पे मिले सर, और जब तक मुझे स्टेज के ऊपर बोलना नहीं आता था, और शमी मैम और हम दोनों एक ही स्टेज के ऊपर थे, तो मैं पेपर लेके और बहुत कांपते हाथों से मैंने बहुत ही साधारण तरीके से बोला, बट लेकिन ये हरियाणा की शेरनी है, ये इस तरीके से भाषण देती थी उस वक्त कि सारा जो भी सुनता था वो उनके सबके अंदर उतर जाता था। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं कोयल की तरह तो नहीं बोल सकती हूँ, तो वो चीज़ याद है। और उसके बाद फिर 5-6 साल नहीं दोस्ती रही, क्योंकि बहुत दूर दूर चले गए, ट्रांसफ़र हो गई, और बीच में मुलाकात मिस्टर नेहरा से तो होती रही, लेकिन मेरी और शमी मैम की बात नहीं हुई। लेकिन अभी जब बात हुई है तो अब हमने निर्णय लिया है कि हम पूरी जो शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा ध्यान है, और उसको एक वैज्ञानिक तरीके से हम उसको आगे लेके जाएंगे, और पूरे जन जन तक, पूरे सिरसा के जिले में जहाँ पे मैडम हैं तो वहाँ पे सब जगह फैलाएंगे। तो धन्यवाद शमी मैम, थैंक यू सो मच। पत्री सर, उनके बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मेरा भारत महान है, मेरा ध्यान भारत निश्चित होगा, ध्यान जगत निश्चित होगा। ऐसे शक्ति से आप मुलाकात हुई आपके द्वारा। डॉक्टर शमी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चरण स्पर्श। थैंक यू शमीम जी, इतना अच्छे से हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े हैं, और इतने अच्छे मौके पे मेरी आपसे मुलाकात हुई है कि कल ही हमारा शिक्षक दिवस था। थैंक यू मैम।